हे गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज है आपका 12.3 और क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, एक्सरसाइज है 12.3, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर का नाम है और क्लास है 10। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। चलिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दाहिने तरफ बना हुआ है आपका। जैसा हम देख पा रहे हैं, चार सर्कल हैं और हर एक सर्कल दो सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, हर एक सर्कल देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी आपका जो है ए बी सी, यहाँ डी छूटा हुआ है, स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या मतलब है, जो ए बी की लंबाई है वही डी सी की लंबाई, वही बी सी की लंबाई और वही ए डी की लंबाई, यानी कि चारों साइड इक्वल और अंदर का जो एंगल है ये 90 डिग्री। ठीक, ये भी 90 डिग्री, स्क्वायर की यही तो प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड कितना है, 14 सेंटीमीटर, मतलब ए से लेकर डी तक की जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर, या यूँ कहें डी से लेकर सी तक की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर, सी भी 14 सेंटीमीटर और ए बी भी 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब विथ सेंटर ए बी सी एंड डी, कह रहा है कि ए बी सी और डी सेंटर के साथ 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट इच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 of the remaining 3 circles। कह रहा है ना कि ए बी सी और डी को सेंटर मानकर 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है और वो सर्कल्स जो है हर 2 सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल इनको और इनको टच कर रहा है, ये इनको इनको, ठीक है, ये वाला इनको इनको टच कर रहा है, सब 2 को टच कर रहा है। ठीक है, अब रिमेनिंग 3 सर्कल्स और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन इसमें कहाँ है भाई, शेडेड रीजन जो है 12.3 में वो है बीच वाला हिस्सा, मतलब ये शेडेड रीजन है, ये शेड नहीं किया हुआ, शेड कर लेता हूँ, ये शेडेड रीजन है। ठीक है, अंदर वाला हिस्सा आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो कई एक तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कई मेथड है निकालने का, लेकिन जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो वाले अप्लाई करके और मेथड को निकालते हैं। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, सर्कल का हिस्सा है जिसमें सर्कल के सेंटर और रेडियस इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है, उसी तरह ये वाला पोर्शन, यानी कि ये सर्कल का भी हिस्सा है और सर्कल का ये आर्क और ये अंदर में इंटीरियर एंगल वो 90 डिग्री, ये भी एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, ये भी एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, यहाँ से ये भी एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, सर्कल का सेक्टर। पूरे सर्कल में के हिस्से में से इतने हिस्से को काट के निकाल दिया जाए, ये सेंटर है और ये रेडियस है और ये आर्क है, ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, 4 सेक्टर बन गया आपका। ठीक, तो लेकिन एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, पूरा स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, तो सभी का एरिया निकल जाएगा। इस एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया को आप माइनस कर दो, मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया जाए। ठीक है, अब सेक्टर क्या बन रहा है, एक सेक्टर ये है, ठीक है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, कुछ मतलब आप समझें कि ऐसा है, और एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है, ठीक, ऐसा कुछ सेक्टर। ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से 4 सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें हम, ये 2 को माइनस किया है, 3 को किया, ये 4 को कर दिया, तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा ना, बीच वाला। ठीक है, तो चलिए पहले जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ हमें, आंसर बनाने से पहले आप लिखेंगे गिवन, लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शेडेड रीजन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो यहाँ पर कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ
सेक्टर, देखिए क्वाड्रेंट भी फॉर्म कर रहा है लेकिन सेक्टर लिखेंगे हम। फोर क्यों लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर का जो एरिया होगा वो दूसरे का भी वही एरिया होगा, तीसरे का भी वही, चारों चौथे का भी वही, क्योंकि सेम सेम रेडियस है और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री भी सबका सेम सेम है। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल के चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा ना। तो देखिए वही किया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस फोर इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। तो इक्वल के सामने आप, चलो मैं यही लिखता रहूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर कह लो, माइनस क्या करेंगे, फोर इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू जब मेंशन की हुई हो 3.14 तो 3.14 लेना है, जब कुछ ना लिखा हो तो 22/7 ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, 22/7 ले लेंगे। साइड इंटू साइड का क्या मतलब है, 14 इंटू 14, साइड तो 14 ही है ना जी, ठीक है, साइड 14 है। अच्छा यहाँ देखिए ये पूरी साइड है, ठीक है, इस साइड में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सर्कल का सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, रेडियस होगा, यानी कि एक गिवन में जब यहाँ दिया था तो आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ऊपर लिख लो या नीचे में लिखो, चलो आप क्या करना, यहाँ पर लिख लेना लाइन चेंज करके, मैं यहाँ पर एक एरो दे दिया, आप इसके नीचे लिखना यहाँ पर, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा उसके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसमें दो रेडियस आ रहा है ना जी, ठीक है, दो रेडियस आ रहा है। तो एरिया रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के आ गया आपका रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इसको आर लिख देना, स्मॉल आर, ठीक। पहले ये लिखना ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, फिर नीचे लाइन में लिखना रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए 4 लिखा यहाँ, इंटू थीटा क्या है, इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, सेक्टर का एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर है मतलब रेडियस दो बार, यानी कि 7 इंटू 7, यही तो आया यार, ठीक है। अब देखिए 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई होगा तो 196 हो जाएगा। अभी इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4, अच्छा सिंपल ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या रह गया भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 22 इंटू 7, ठीक है, 196 माइनस 7 2 14 का 4 1 कैरी, 7 2 14 1 15 154, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, 196 में से 154 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं, 0, यानी कि क्या आ गया, 42 वॉट। यूनिट क्या थी, सब चीज़ सेंटीमीटर में, और निकाल क्या रहे हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो आप नीचे एरिया ऑफ एस आप लिख सकते हो नीचे लाइन में कहीं पर, के एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।